किस तरह से रोड क्रॉस करना है। फॉर एग्जाम्पल रेड लाइट होती है, ऑरेंज होती है और ग्रीन होती है, तो ये लाइट्स आपको बताती है, बॉक्स की तरह बना होता है, ओके। और ट्रैफिक लाइट के कुछ साइंस होती है जो मैं आपको दिखा रही हूँ, जो आपकी जीबी की बुक में आपको दिखेगी। ये सारे साइंस हैं, ये साइंस आपको बताते हैं कि आपको कब पार्क करना है, कब आपको खड़े रहना है, कब आपको राइट टर्न लेना है, कब आपको यू टर्न लेना है, कब आपको हॉर्न नहीं बजाना है, अगर स्कूल है तो आपको ड्राइव स्लोली करना है। तो ये सारे साइंस है जो आपको बताते हैं किस तरह से। अब आपको लेसन में समझाने जा रही हूँ, ये लेसन ट्रैफिक लाइट्स के बारे में है। एक बिजी रोड था, देयर वर थ्री ट्रैफिक लाइट्स, वहां पे तीन ट्रैफिक लाइट थे। जैसे आप सबको पता है तीन ट्रैफिक लाइट कौन से होते हैं, रेड, देन होता है ऑरेंज, ओके, ऑरेंज एंड ग्रीन, ओके। तीन ट्रैफिक लाइट्स होती है इस तरह से, और एक बॉक्स बना होता है इस तरह से, और ये शाइन होता है, ओके। तो यहाँ पे ये तीनों लाइट्स होती है, रेड ऑरेंज और ग्रीन। देयर वर सो मच ट्रैफिक, बहुत सारा ट्रैफिक था ऑन द रोड टुडे। आज बहुत ज्यादा ट्रैफिक रोड पे, सो मेनी कार्स, स्कूटर, रिक्शा एंड बसेस। तो रेड कलर बोलता है कि आज तो बहुत ज्यादा ट्रैफिक दिख रहा है, और रोड पे कितनी सारी गाड़ियां हैं, बहुत सारी कार है, स्कूटर है, रिक्शा है, बस है। तो वी हैव टू कंट्रोल आउट देम। तो ग्रीन बोलता है अरे हमको तो इनको सबको कंट्रोल करना पड़ेगा। तो तभी जस्ट पुलिस ऑफिसर, ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर कम टू द लाइट एंड स्विच ऑन देम। तभी एक ट्रैफिक पुलिस आता है और ये लाइट्स को स्विच ऑन करता है। दे हैड ग्रेट फन टुगेदर, और इन सबको तीनों मिलकर काम करने में बहुत मजा आता था। ब्लिंक 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 यानी आंखें झपकाते हुए वो लोग तीनों काम करने लगे। दे वर्क हार्ड ऑल डे, ये तीनों मिलकर दिन रात बहुत मेहनत करते थे और बहुत थक जाते थे, इतना काम करते थे। दे वर ग्लैड टू बी स्विच ऑफ, और जब रात को पूरा काम खत्म हो जाता था और उनको स्विच ऑफ करते थे तो उनको बहुत मजा आता था कि हम रियलाइज करें इट हैज बीन सच अ बिजी डे। तो ऑरेंज बोलता है आज का दिन बहुत बिजी था, आई वांट टू रेस्ट नाउ। तो ऑरेंज बोलता है लोगों को आज का दिन हमारा बहुत बिजी था और मैं बहुत थक गया हूँ, अब मैं थोड़ा आराम करना चाहता हूँ। बिजी सेड रेड रेजिंग हिज आईब्रो, तो रेड जो होता है वो अपनी आईब्रोज को ना रेज करके ऊंची ऊंची करके बोलता है बिजी, तुम क्या बिजी हुए, तुमको कैसे थकान आ गई, एंड टायर्ड लव ग्रीन, और ग्रीन हंसती बोलता है और थक गए तुम, ऐसा क्या काम तुमने किया कि तुम थक गए। ऑरेंज वॉज पर्सनल लेवल क्वेश्चन, तो इन दोनों के ताने सुन के ऑरेंज थोड़ा पर्सनल लेवल कंफ्यूज हो गया कि ये लोग क्या पढ़ रहे हैं। तो ऑरेंज इन दोनों को पूछता है व्हाट डू यू मीन, ही आस्क्स, उससे पूछा तुम्हारा मतलब क्या है, व्हाई डू यू गेट सो टायर्ड, आस्क्ड रेड। तो रेड ने बोला इसको ऑरेंज को कि तुमको क्या प्रॉब्लम है, तुम इतना थक हो जाते हो, तुम बहुत टायर्ड हो जाते हो। तो रेड स्टॉप द कार एंड आई लेट देम गो, तो रेड तो ग्रीन क्या बोलता है उसको, रेड जो है वो कार को स्टॉप करता है और ग्रीन बोलता है मैं उनको जाने देता हूँ, तो तुम्हारा क्या काम है, बट आई कैन ऑन बिटवीन यू टू। तो ऑरेंज ने बोला अच्छा मैं तुम दोनों के बीच में आ गया क्या। तो रेड ने मजाक कर दिया, क्या बोला, कुछ ओनली फॉर फ्यू सेकेंड, थोड़ी देर के लिए तुम आए थे, वी डोंट नीड यू। तो ग्रीन ने गुस्से से चिल्ला के क्या बोला, यू आर यूजलेस, तुम कोई काम की नहीं हो, तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, तुम एकदम बेकार हो, तुम कुछ भी काम नहीं करते हो, जो काम करते हम रेड और ग्रीन करते, तुम्हारा तो कोई काम ही नहीं, कोई रोल ही नहीं, सारा काम हमें लोग मिलजुल के करते हैं। तो इस बात को सुनकर ऑरेंज फेल हर्ट, उसको बहुत दुख हुआ और वो बहुत उदास हो गया, और उसको बहुत ही धक्का लगा कि मैं इतने साथ मिलजुल के काम करता हूँ, इतनी मेहनत करता हूँ, उसके बाद में इन लोगों ने मेरा मजाक उड़ाया, तो बहुत दुखी हो जाता है। The night came, he kept remembering what Red, और अखी रात ऑरेंज क्या करता है, सो नहीं पाता, वो अखी रात यही सोचता रहता है कि ये लोग ने मेरा बहुत मजाक उड़ाया, ये लोग ने मेरे साथ अच्छे से बिहेव नहीं किया, तो उसको बहुत दुख होता है कि मैं इतना अच्छे से काम करता हूँ, सब करता हूँ, उसके बाद भी ये लोग ने मेरे साथ ऐसा बिहेव किया, तो बहुत दुखी हो जाता है। इस तरह से ये तीनों जन से बात, आई एम रियली यूजलेस, ऑरेंज होता है, ऑरेंज का ये कहना अच्छा सही में मैं इतना यूजलेस हूँ, मैं इतना बेकार हूँ, तो ठीक है अब मैं तुम्हारे साथ काम नहीं करूंगा। और नेक्स्ट मॉर्निंग, दूसरे दिन सुबह जब फिर से वो आया, ट्रैफिक पुलिस आया, तो उसने लाइट्स को ऑन किया, ऑरेंज लाइट्स जब
ग्रीन, रेड और ग्रीन हो रही है पर ऑरेंज तो कुछ कर ही नहीं है, तो ग्रीन देयर वाज कंफ्यूजन, इतनी सारी कंफ्यूजन है, लोग इतने जमा होते हैं, इतना सारा काम दे रखे हैं, पेडिस्ट्रियन ब्रांड ले रहे हैं और जो चलते जाते हैं वो इधर उधर भाग रहे कर रहे हैं, बहुत सारे सब लोग अपने ड्राइवर सारे ड्राइवर से गुस्से में हॉर्न बजा रहे हैं, बहुत सब गड़बड़ हो गया, टू टॉप इट ऑल और सब काउस के, और बीच रास्ते में रोड पे काउस आ गए और वो लोग चिलिंग कर, यानी हम लोग कहते हैं काउस से बहुत देर तक घूमने जो घास होती है उसको खाते रहते हैं ना, तो उसी घास को बहुत देर कंटिन्यूस चबाते हैं, चबा चबा के उसको छोटे छोटे पीस कर काटते हैं और उनकी जो मोती नीचे से ना व्हाइट कलर का सलाइवा स्टिकी निकलते हैं, ऐसे जो मम्मी पकड़ी होती है तो झाग निकलता है, तो वैसे झाग निकलता है मम्मी का, वो बीच रोड पे काउ ही कर लेते हैं, तो इतना मैस हो गया कि रेड ग्रीन कुछ भी संभाल नहीं पा रहे थे और बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो गई थी। उसके बाद क्या हुआ, मैंने ट्रैफिक पर एक स्कूटर सॉरी स्कूटर स्कूटर ने क्या किया वो भी गिर गया, रेड लाइन सडनली बेंट फॉर ऑफ, रेड लाइन भी ऑफ हो गई, तो ट्रैफिक पुलिस ने रियलाइज किया कि ऑरेंज वॉज नॉट बटी, तो इतने मैंने ट्रैफिक पुलिस ने नोट किया कि ऑरेंज लाइट तो आज काम ही कर रही है, एवरी वन इम्पोर्टेंट, तो सब लोग ऑरेंज वॉज नॉट बटी ही सेड व्हाट ऑरेंज इज नॉट बटी, तो ट्रैफिक पुलिस ने बोला क्या बात है आज ऑरेंज लाइट क्यों काम नहीं कर रही, क्या रीजन है, तो व्हाई इज नॉट ऑरेंज बटी विदाउट ऑरेंज आई कैन नॉट टर्न, तो फिर ट्रैफिक ने बोला पुलिस ने ऑरेंज के बिना तो मैं कुछ कंट्रोल कर ही नहीं सकता हूँ, लेट मी स्विच हम ऑफ एंड चेक अगेन लेंगे, तो उसने कहा चलो मैं फिर से स्विच ऑफ कर देता हूँ और शाम को फिर ऑन करके देखता हूँ, देखता हूँ क्या प्रॉब्लम है, रेड ग्रीन हर्ड, तो ये बात रेड और ग्रीन से लिया कि वो ट्रैफिक पुलिस ने बोला कि ऑरेंज के बिना तो मैं कुछ कंट्रोल कर ही नहीं सकता हूँ, जरूर कुछ प्रॉब्लम है, तो उसने स्विच को ऑन कर दिया और ये दोनों ने बात सुन ली, तो रेड एंड ग्रीन मुझे सुना इन दोनों को रियलाइज हुआ कि एवरी वन इज इम्पोर्टेंट इन प्लीज आर हर वे, तो उसने ये दोनों ने ये रियलाइज किया कि हम सबका इम्पोर्टेंट रोल है, जैसे एक हमें रेड होता है स्टॉप, ग्रीन होता है गो, तो ऑरेंज का भी इम्पोर्टेंस है कि वो कंट्रोल करता है, ओके, तो इन तीनों को इन दोनों को समझना है कि हम तीनों के बिना काम नहीं हो सकता और हर इंसान अपने काम में इम्पोर्टेंट होता है, सबका कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं कुछ रोल होता है, तो दे हैव नो राइट टू इंसल्ट एनीवन लाइक दिस, और दे वर सेल्फ फॉर बीइंग रूड टू ऑरेंज एंड व्हाई दे हैड सेड टू हिम, तो ये दोनों जो रूड थे ऑरेंज के साथ, उन्होंने बहुत बुरी तरह से उन्होंने चिल्ला के बात की, उन्हें इस बात का अफसोस हुआ और उन्होंने उसको बोला कि हमें इसको सॉरी बोलना चाहिए और विदाउट ऑरेंज दे वर नॉट टीम, तो इन दोनों ने रियलाइज किया कि बिना ऑरेंज के तो हम लोग टीम ही है, हम तीनों मिलकर काम करेंगे तभी हमारी टीम ठीक रहेगी और हमारा काम अच्छा होगा, उसके बिना तो हम कुछ कर ही सकते, दे कुड नॉट वर्क बाय देमसेल्फ एंड नाउ ऑरेंज वाज नॉट वर्किंग बिकॉज ऑफ देम, और वो दोनों समझ गए कि इसीलिए हमारे साथ ऑरेंज काम नहीं कर रहा है, हमने उसको चिल्लाया, उसको हर्ट किया, उसका मजाक उड़ाया, इसीलिए बहुत हमारे साथ दुखी होकर काम नहीं कर रहा है, पर अब हमको रियलाइज हुआ कि नहीं हमें ऐसी बात नहीं करना चाहिए था, सबका कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंट रोल होता है, ओके, एंड ऑरेंज ही वॉज स्टूडेंट क्लियर पूरी सब्जेक्ट पर, और ऑरेंज जब उससे सुना ना पूरी सब्जेक्ट का कि इन दोनों की दुखी होती ऑरेंज की तरह कुछ कंट्रोल कर नहीं सकता, तो बहुत खुशी से जूम उठा, ही वॉज सो हैप्पी ही वॉन्टेड टू सेकेंड डेट, और ऑरेंज ट्रैफिक पुलिस की बात सुन के वो इतना खुश हो गया कि उसका मन कर रहा था कि मैं डांस करूं और मैं जोर जोर से गाने गाऊं, विदाउट मी पुलिस ऑफिसर विल नॉट ऑपरेट अ लाइट, तो फिर दैट मीन्स आई एम यूजफुल, मतलब तो ऑरेंज ने कहा मेरे बिना ऑपरेट लाइट नहीं करेगा पुलिस ऑफिसर का, मैं बहुत इंपॉर्टेंट हूं, तो उसके मन में ऐसा धीरे से बोला, तो रेड ग्रीन हर्ड हिम एंड फेल्ट ही वाज हिज वर्क वाज इक्वली इंपॉर्टेंट, तो ये बात सुनकर रेड ग्रीन को रियलाइज हुआ कि उसके बिना भी कुछ भी नहीं हो सकता था, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है काम के लिए, वी आर सॉरी ऑरेंज रेड एंड ग्रीन, तो रेड और ग्रीन ने ऑरेंज को कहा सॉरी वी रीडिंग यू, हमें तुम्हारी सही में बहुत जरूरत है, एंड ऑरेंज हग देम एज फ्रेंड्स, ये तीनों ने एक दूसरे से गले लगाया और बोला अब हम लोग साथ में दोस्त की तरह रहेंगे, दैट इवनिंग की जब शाम हो गई पुलिस ऑफिसर ने जैसे कहा था कि मैं स्विच ऑन करूंगा और कुछ प्रॉब्लम होगी तो उसका सॉर्ट आउट हो जाएगा, फिर चेक कर लूंगा कि तीनों लाइट्स बराबर काम कर रही कि नहीं, तो उसने फिर शाम को स्विच ऑन किया, तीनों लाइट्स ने रूम जा दिया, तो ऑरेंज वॉज वेरी चेयरफुल एंड एक्साइटेड, ऑरेंज बहुत ही चेयरफुल खुश था एक्साइटेड था एंड ग्लोड इवन ब्राइटर एंड ब्यूटीफुल, और वो और अपनी तारीफ सुन के उसकी काबिले तारीफ की मैं कितने काम के लायक हूँ मैं कितना अच्छा हूँ सुन के वो और खुश हो गया, उसका ग्लो यानी उसके चेहरे पे और रौनक हो गया, वो और चमकने लग गया पहले से ज्यादा, द थ्री लाइट्स वर्क टुगेदर इवन आफ्टर एंड गो सेज ग्रीन, और ग्रीन ने बोला अब चलो जाओ, और सारा जो मैस हुआ था उसकी तरफ से वो सारा मैस कंट्रोल हो गया, सब अच्छे से हो गया और जो भी सारी प्रॉब्लम्स आ रही थी वो सब सॉर्ट आउट हो गई। अब देखो यहाँ पे जो है एक पोएम छोटी सी मैं रीड कर रही हूँ, रेड लाइट व्हाट डू यू से, रेड लाइट जो होती है वो बोलती है हमें स्टॉप रुक
चाहिए वही करेंगे, और रेड बोलेगी स्टॉप, और ऑरेंज बोलेगा वेट करो, और ग्रीन बोलेगा, ग्रीन कलर जब आएगा इट इज अ साइन दैट यू कैन नाउ गो। आई होप आपको ऐसे समझ में आ गया होगा ट्रैफिक लाइट का, और आपकी बुक को देखिए समझ जाएंगे कि देखो ये तीन लाइट्स है यहाँ पर, यहाँ पे ये तीन लाइट दी है रेड ऑरेंज और ग्रीन। तो रेड जो होती है वो बोलती है स्टॉप, ग्रीन बोलती है गो, और ऑरेंज कहती है वेट। ओके आपको ये समझ में आ गया। और देखो आपको ट्रैफिक पुलिसमैन भी दिख रहा है, ये कैसे इन लोगों को कंट्रोल कर रहा है ट्रैफिक, और यहाँ पे स्कूटर वाला जा रहा है। इस तरह से ये ट्रैफिक पुलिस का काम होता है कि किस तरह से कंट्रोल करता है और अपना काम करता है। नाउ आई हैव रिटन हियर सम हार्ड वर्ड्स फॉर यू दैट आई एम गोइंग टू रीड फॉर यू, और आपको ये सुनना है। और देखो ये है व्हीकल्स, VEHICLE, व्हीकल्स का मतलब होता है वाहन। जैसे आपने नोट किया होगा कि रोड पे बहुत सारे व्हीकल्स चलते हैं, बहुत सारे व्हीकल्स चलते हैं, जैसे है कार है, स्कूटर है, बस है, बहुत सारे। कंट्रोल, CONTROL, कंट्रोल का मतलब होता है उसको कंट्रोल करना, यानी वहां पर उसको रोक के रखना। ओके, एनर्जी लाइट्स, लाइट्स यानी आपने देखा होगा कि आपके घर में ट्रैफिक पे सब जगह लाइट्स होती है, क्योंकि लाइट्स हमें जब अंधेरा हो जाता है तो हमें काम करने में हेल्प करती है, और ये हमें लाइट देती है, यानी प्रकाश देती है। अलाउ, अलाउ यानी जाने की परमिशन देना। ओके, मॉक का मतलब मैंने आपको बताया, मॉक का मतलब देखो मैंने यहाँ लिखा हुआ है कि मॉक मीन्स दैट है ना, यू हैव टू नॉट मेक फन, किसी का मजाक मत उड़ाओ। ओके, मिजरेबल, MISERABLE, मिजरेबल यानी दुखी हो जाना, CHEER, चेयरफुल यानी आप खुश हो के हंसते रहते हो, एक्साइटेड, EXCITED, एक्साइटेड यानी खुशी से झूम जाना। उसके बाद है, फिर से आपकी हार्डवर्ड से लिख करके सुनाती हूँ, सुन लेना। व्हीकल्स यानी व्हीकल्स सारी कार, स्कूटर, बस, ऑटो रिक्शा और स्कूटी, बाइक, एवरीथिंग कम्स इन व्हीकल्स, सारे जो व्हीकल्स रोड पे चलते हैं। और कंट्रोल, CONTROL, कंट्रोल यानी उनको कंट्रोल करना, जैसे बहुत सारी गाड़ी आ रही है तो ट्रैफिक पुलिस उनको कंट्रोल करता है, वो हाथ के साइन दिखाता है कि ये साइड रुकेगा तो सामने वाला साइड जाएगा, अगर वो साइड रुक रहा है तो ये साइड जाएगा उस तरह। और लाइट्स, ऑल यू नो कि रात को जब हम व्हीकल चलाते तो हमारी ट्रैफिक लाइट्स हमें बताती है हमें कैसे जाना है, और रोड पे भी स्ट्रीट लाइट्स होती है जो हमें गाइड करती है रोड पे हमें कैसे जाना है, और हमारी खुद की व्हीकल की लाइट होती है जो हमें आगे का रास्ता दिखाती है, अगर घटना है कुछ है तो हमें बताती है कि ना यू हैव टू ड्राइव सेफली। अलाउ का मतलब जाने की परमिशन देना, मॉक यानी किसी का मजाक उड़ाना, मिजरेबल यानी दुखी होना, चीयरफुल यानी खुश होना, एक्साइटेड यानी खुशी से झूम उठना। अब यहाँ पे मैंने कुछ कीवर्ड सीखे हैं जो मैं आपको रीड करके बता रही हूँ। ओके, और मैंने आपको बता दिया ट्रैफिक लाइट में तीन लाइट होती है, रेड होती है, रेड जो होती है हमको स्टॉप, ऑरेंज होती है वेट, एंड ग्रीन होती है नाउ यू कैन गो। ओके, नाउ स्विच ऑन, स्विच ऑन यानी जिस फॉर एग्जाम्पल घर में आप होते हो कभी कभी स्विच ऑन करो तो आप प्रेस स्टार्ट यानी आप फैन की स्विच को ऑन करते हो और फैन ऑन हो जाता है। अलाउड, अलाउड का मतलब परमिट यानी किसी को परमिशन देना, नाउ यू कैन गो। पजल, पजल का मतलब पूरा कंफ्यूज हो जाना, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको कुछ काम दिया जाए कि ये भी करो ये सब काम जल्दी करो तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। जैसे मम्मी अगर बहुत सारी सब्जी करके लाती है तो उसमें मटर है, टमाटर है, चिली है, सब है, सब मिक्सअप हो जाता है, तो मामा आपको बोलेंगे सबको अलग अलग ये बकेट में ये ऐसे करके रख देना तो आप कंफ्यूज हो जाते हो, मामा ने क्या बोला, कौन से बैग में क्या रखना है, करना है, तो आप उनको पूछते हो। मॉक, मॉक मेक फन ऑफ, किसी का मजाक उड़ाना, जैसे यहाँ पर ग्रीन और रेड ऑरेंज का मजाक उड़ाया है। यूजेस, यूजेस का मतलब है ऑफ नो यूज यानी तुम मेरी कोई काम की नहीं हो। मिजरेबल का मतलब अनहैप्पी यानी दुखी होना, जैसे इस स्टोरी के सेशन में अनहैप्पी कौन हो जाता है, ऑरेंज, क्योंकि ये रेड और ग्रीन मजाक कर रहे हैं। केओस, नॉट इन ऑर्डर, केओस नॉट इन ऑर्डर यानी सारी गाड़ियां जब ऑरेंज लाइट काम नहीं करती है तो बहुत सारा वहां पे केओस हो जाता है, यानी सारी गाड़ियां यहाँ खड़ी हो जाती है, रोड पे जाने की जगह नहीं मिलती है, बीच में काउडी आ जा रही है, वो भी अपना थाल ये कर रही है, और कोई अच्छा गिर जा रहा है, स्कूटर वाला स्लिप हो जाता है, तो पूरा रोड बहुत ही बुरी कंडीशन में जाता है। हॉल्ट, हॉल्ट का मतलब होता है स्टॉप, रुक जाओ। नाउ सडनली, सडनली का मीनिंग होता है ऑल ऑफ अ सडन, हॉकी, हॉकी का मतलब है साउंड ऑफ हॉर्न यानी
ये मीनिंग्स यहाँ पे पेज नंबर 42 पे दिया है. ये मीनिंग्स आप अपनी नोटबुक में लिख लेना, सो यू डोंट हैव एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग दिस लेसन.